एक किलो इस समय मैं हूं भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में। मेरे साथ हैं एससी मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य जी। बात करते हैं इनसे उत्तर प्रदेश और बाकी राज्यों के चुनाव पर। सर, उत्तर प्रदेश के रिजल्ट को लेकर क्या कहते हैं आप, किसकी जीत? मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो जीत हुई है वो नरेंद्र मोदी के जनकल्याण की जीत है, योगी जी के विकास की जीत है, और योगी जी ने जो आतंक मुक्त उत्तर प्रदेश दिया है ये जनता के उस विश्वास की जीत है और कार्यकर्ता के परिश्रम की जीत है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व आशावान था पहले से कि योगी जी के सरकार पर, योगी जी के कार्यकाल में किसी प्रकार का कोई इस प्रकार का कोई भ्रष्टाचार, कोई घोटाला नहीं हुआ, बल्कि जनहित में उन्होंने जो विकास किया है, जो जनकल्याण किया है, उसके कारण लोगों ने एक श्रद्धा, एक विश्वास इस चुनाव में पुनः बीजेपी को जिताकर व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश को सबसे ज़्यादा टफ राज्यों में गिना जाता है कि जातिगत आधार वहाँ सबसे ज़्यादा चलता है, आप क्या कहते हैं कि ये नैरेटिव टूट चुका है? मुझे लगता है ये बड़ा स्वागत योग्य उत्तर प्रदेश की जनता का निर्णय है कि जाति व्यवस्था पर
सामाजिक समरसता की मोहर लगा दी है, विकास की मोहर लगा दी है, जनकल्याण की मोहर लगा दी है। पहली बार मुझे देखने को मिल रहा है कि जिन चार राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लोगों ने विकास के आधार पर वोट दिया है जाति व्यवस्था के खिलाफ। विपक्ष ने हाथरस को लेकर के जो एससी वर्ग है उसको भड़काने की कोशिश की, फिर जो स्वामी प्रसाद मौर्य है वो छोड़कर गए, फिर ओम प्रकाश राजभर एक सेट करने की कोशिश की गई कि ये वर्ग नाराज है भाजपा से, इस पर आप क्या? मुझे लगता है कि देश की जनता अब बहुत होशियार हो गई है, जागृत हो गई है, वो सोशल मीडिया और मीडिया पे कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, वो गूगल को सर्च करती है, वो देखती है कि जो नेता इनकी सरकारें जिन राज्यों में, वहाँ दलितों के साथ बहुत बड़ा अत्याचार होता है, राजस्थान में नंबर वन पे जाता है, वहाँ वो बात नहीं करते हैं, चाहे भीम आर्मी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो। कुछ घटनाएं हाथरस जैसी होती हैं जिसपे योगी जी तत्काल कार्रवाई करते हैं, उनको वो हाईलाइट करते हैं षड्यंत्र पूर्वक, लोगों में भय उत्पन्न करते हैं, अनुसूचित जाति में आरक्षण खत्म और संविधान खत्म करने की बातें करते हैं। मुझे लगता है ये षड्यंत्र, ये भ्रम जो पैदा किए गए थे, इसको जनता ने नकार दिया है और विकास को जिताने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में जो अभी आंकड़े आ रहे हैं उसमें ये देखा जा रहा है कि जो दलित वर्ग है उसने बड़ी संख्या में भाजपा को वोट किया है, इसमें इसको आप किस तरह देखें? स्वाभाविक है, अनुसूचित जाति का मतदाता बहुत तेज गति से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है, उसके पीछे कारण है। नंबर एक, नरेंद्र मोदी जी ने देश की 73 साल बाद किसी सरकार के प्रधानमंत्री ने गरीबों की कल्याण की योजनाएं बनाई हैं, चाहे गैस सिलेंडर देने का काम हो, मकान देने का काम हो, 5 लाख रुपए का इलाज कराने का काम हो, शौचालय बनाने का काम हो, यानी कि सशक्तिकरण अनुसूचित जाति का गरीबों का करने का काम किया है। उनको सुरक्षा और सम्मान मिले वो योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में मिला है, विकास भी मिला। तो एक मतदाता, एक गरीब चाहता है कि सम्मान भी मिले, विकास भी मिले, सशक्तिकरण के कुछ योजनाएं भी बने, वो योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में बनी है। इसका कारण है कि अनुसूचित जाति अपने आप को सुरक्षित महसूस भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में करता है। जहाँ तक अम्बेडकर जी, रविदास जी, निषाद राज जी और वाल्मीकि जी के नाम से 4 सांस्कृतिक केंद्र उत्तर प्रदेश में बड़े होंगे, जो आज़ादी के बाद किसी भी पार्टी ने नहीं बनाए। अम्बेडकर जी की 14 अप्रैल की जयंती कभी स्थायी अवकाश नहीं किया, उनका राष्ट्रीय स्मारक 26 अलीपुर रोड पर और इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर 15 जनपद पर कभी किसी ने नहीं बनाया। तो ये सब जो किया है इसके कारण अनुसूचित जाति के भाई बहनों में एक विश्वास, श्रद्धा पैदा हुई है नरेंद्र मोदी जी, योगी जी के प्रति, कि हमारा कहीं भी अगर हित है तो भारतीय जनता पार्टी और योगी जी, मोदी जी के नेतृत्व में है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अनुसूचित जाति के लोगों को एक तरह से हम देख रहे हैं, उन्होंने बसपा को नकार दिया है और अब ये लग रहा है कि वो जाति की राजनीति से ऊपर उठकर विकास और लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर ज़्यादातर वोट की है। इसको आप राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कैसे देखते हैं, इसका क्या असर पड़ेगा? स्वाभाविक है, एक आम गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित लोग चाहते सुरक्षा, सम्मान और विकास। उत्तर प्रदेश में सम्मान भी मिल रहा है योगी जी के नेतृत्व में, उनका संरक्षण भी हो रहा है, उनको सुरक्षा भी दी जा रही है और इसके साथ उनके सशक्तिकरण का काम भी हो रहा है। गरीब कल्याण योजनाएं भी बनाई जा रही है, लोगों को 18 महीने तक अनाज दिया गया, ये लोगों ने स्वीकार किया कि जिनको हम लगातार वोट देते हैं उनने कभी 1 किलो अनाज भी नहीं दिया, मकान दिया है, एक सम्मान की जिंदगी जीने का एक रास्ता दिया है। बहन बेटियां जो सड़क के किनारे लोटा लेके शौचालय के लिए बैठती थीं, उनको सम्मान दिया है शौचालय देकर, उनके चूल्हे में हाथ ना जल जाए इनकी सुरक्षा दी है 9 करोड़ गैस सिलेंडर देकर, 5 लाख तक दवाई फ्री आयुष्मान योजना में दे के उनका घर, जमीन और जेवर गिरवी ना रखा जाए इलाज के लिए, ये एक बड़ा सुरक्षा का जिसे लोग स्वीकार कर रहे हैं। 6000 किसान सम्मान निधि दी है तो दलित और आदिवासी भाइयों को भी मिल रही है, तो उनको लगने लगा है कि हमारा कल्याण, हमारा विकास, हमारा सम्मान, हमारी सुरक्षा अगर कहीं हो सकती है तो वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही हो सकती है। ये विश्वास जो श्रद्धा पैदा हुई है आने वाले समय में भी ये कहीं ना कहीं कायम रहेगी, ये ट्रेंड इस चुनाव से दिखाई दे रहा है।
जैसे अभी तक माना जाता था योगी जी एक कट्टर हिंदूवादी चेहरा, लेकिन जो भाजपा का एक सूत्र है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, आप समझ रहे हैं कि योगी जी का कद इससे बढ़ा है कि अब जो ये रिपीट कर रहे हैं और रिकॉर्ड तोड़ा है, इसका क्या असर पड़ेगा? और जैसे अभी उनको संसदीय दल का नेता भी बनाया गया है, अब राष्ट्रीय नेता के तौर पर जनता उनको देख रही है। मुझे लगता है संत की कोई जाति नहीं होती, वो संत है, वो सामाजिक समरसता में विश्वास करते हैं, वो सम्मान में विश्वास करते हैं, वो संविधान में विश्वास करते हैं, वो रविदास जी अंबेडकर जी वाल्मीकि और विवेकानंद में विश्वास करने वाले संत है, और इसलिए वो ठप्पा कुछ भी लगा जाए लेकिन वो हिंदू हैं, हम हिंदू हैं तो इसको हम नकार कह सकते हैं, लेकिन हम ये कट्टर हिंदू हैं इस ये कह के कांग्रेस सपा बसपा कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज का वोट कवाड़ने की जो कोशिश करती है, इस धारणा को उत्तर प्रदेश की जनता ने और पांचों राज्यों की जनता ने तोड़ दिया है। कुछ लोगों ने अनुसूचित जाति के लोगों को भी भड़काने की कोशिश की थी नैरेटिव सेट करने की, जैसे कि चंद्रशेखर उब्रावण, इस चुनाव में उन लोगों को नकार दिया उत्तर प्रदेश की जनता? स्वाभाविक है, जातिगत आधार पर हिंदुस्तान में कोई भी सरकारें नहीं बना पाता है, आप लोगों को भड़का जरूर सकते हो। पॉजिटिव थिंकिंग वाला जो भी लोग होंगे, बाबा साहब अंबेडकर ने हिंदुस्तान में आंदोलन किए, उसमें आग नहीं लगाई, किसी को गाली नहीं दी, इसलिए अंबेडकर जी को आज पूजा जा रहा है, इसलिए संविधान को माना जा रहा है। तो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ गरीबों की आप मुद्दे उठाएंगे तो लोग स्वीकार करेंगे, और आप जातिगत बात करेंगे तो स्वाभाविक है आपको कोई स्वीकार करने वाला नहीं है। और एक चीज़ हो रही है, अब लोग भड़कने वाले नहीं हैं, अब लोग अपना कल्याण विकास देख रहे हैं। अंबेडकर जी ने कहा भी था कि ये हम वोट डालने का आपको अधिकार दे रहे हैं तो ये हमारे हित में, यानी कि आपके हित में कौन कर रहा है उसको हम सत्ता पर बैठा लेंगे तो लोगों का सशक्तिकरण होगा, तो गरीब मजबूत होगा। इसलिए बहनों भाइयों, गरीब बहनों भाइयों, वोट का अधिकार ठीक जगह जाए, ये उन्होंने अपील की थी।